मेरा राजू स्कूल में फर्स्ट आया। सरकारी स्कूल में तो कोई भी फर्स्ट आ जाए, ये मिठाई तब बांटियो जब तेरा बेटा प्राइवेट स्कूल में फर्स्ट आएगा। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी कि तू अगर जिंदगी भर भी लोगों के घर में बर्तन मांज लेगी ना, तब भी अपने बेटे को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकती। दीदी क्या फर्क पड़ता है स्कूल प्राइवेट है या सरकारी, शिक्षा तो दोनों जगह ही मिलती है ना। जितना फर्क तेरी और मेरी हैसियत में है ना, बस उतना ही फर्क है सरकारी और प्राइवेट स्कूल में। दीदी मुझे तो इसी बात की बहुत खुशी है कि मेरा राजू कम से कम पढ़ तो रहा है, फिर चाहे वो स्कूल सरकारी क्यों ना हो। और मुझे अपने बच्चे पे बहुत गर्व है कि वो वहाँ पढ़कर भी अपनी कक्षा में अव्वल आया है। वहाँ का अव्वल आना ना कोई मायने नहीं रखता है। और तूने कभी सुना है कि सरकारी स्कूल से पढ़ के कोई बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बन गया हो? उसके लिए ना प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेना होता है, तभी आगे चलकर बच्चे को अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता है। वाह क्या बात है भाई, ये मिठाई किस खुशी में लाई है? भैया वो राजू अपनी क्लास में फर्स्ट आया। खुश तो ऐसे हो रहे हो जैसे इसका बेटा डॉक्टर बन गया। ये तो भगवान ने चाहा तो बन भी जाएगा। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्यों कैसी बातें कर रहा हूँ? वैसे इसका बेटा डॉक्टर बन तो जाएगा, लेकिन वही झोला छाप डॉक्टर जो होते हैं ना, वो 10-10 रुपए की दवाई की पुड़िया बेचते हैं, बिल्कुल वैसे। ये चाहती है कि इसका बेटा ना हमारे बेटे रोहन की तरह बने। वैसे सीमा मेरा बेटा तो बड़ा होके अपने पापा की तरह डॉक्टर बन जाएगा, पर तेरा बेटा तो पढ़ लिख के भी तेरी तरह अनपढ़ ही रहेगा। वो कहते हैं ना कि गरीब चाहे जितना मर्जी पढ़ ले, रहता वो गरीब ही है। शीतल तुम्हें मेरे एजुकेशन का बैकग्राउंड पता है? हाँ तुम डॉक्टर हो तो ऑब्वियसली तुम्हारा एजुकेशनल बैकग्राउंड भी अच्छा ही होगा, किसी अच्छे स्कूल और कॉलेज से ही पढ़े होंगे तुम भी। जी नहीं, मैं भी राजू की तरह सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ और सरकारी स्कूल से पढ़कर ही मैं डॉक्टर बना हूँ। पता है लोग समझते हैं कि इंसान तभी कामयाब होता है जब वो प्राइवेट स्कूल से पढ़े। अगर मैं सरकारी स्कूल से पढ़कर डॉक्टर बन सकता हूँ तो ये क्यों नहीं? शीतल एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, कहाँ से मिल रही है ये इंपॉर्टेंट नहीं। और तुम्हें क्या लगता है ये जो सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल से पढ़ते हैं ये सभी इंजीनियर और डॉक्टर बन जाते हैं? ये बच्चे पे डिपेंड करता है, फिर चाहे स्कूल सरकारी हो या प्राइवेट ये मैटर नहीं करता। सीमा तुम अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में ही पढ़ा और तुम देखना एक दिन ये तुम्हारा नाम जरूर रोशन करेगा। सीमा आई एम रियली सॉरी, वो मैं दिखावे के चक्कर में इंसानियत भूल ही गई थी। और आपने भी बिल्कुल सही कहा कि बच्चे का पढ़ना ज़रूरी होता है। दीदी भले ही हमारी हैसियत एक जैसी ना हो, लेकिन हम दोनों ही एक रिश्ता बहुत अच्छे से समझते हैं और वो रिश्ता है माँ का। जैसे आप रोहन बाबा के लिए अच्छा अच्छा सोचती हैं और उन्हें अच्छी शिक्षा देना चाहती है, वैसे ही मैं भी अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहती हूँ। सीमा तुम्हें कोई भी चीज़ की हेल्प चाहिए हो तो हमें ज़रूर याद करो।